हेलो गाइस और वेलकम मेरे GTA 5 के और एक गेम प्ले में। तो गाइस आज हम जा रहे हैं लेस्टर के फैक्ट्री में। लेस्टर ने सारा प्लान वहाँ पे बना दिया है और वहाँ पे फ्रैंकलिन भी आके पहुँच चुका है, जो जैमर लेके मंगाया था लेस्टर ने। तो हमने दो जैमर्स मंगाए, तो फ्रैंकलिन और लेस्टर जल्दी पहुँच गए फैक्ट्री में। आप देख सकते हो मॉर्निंग के अभी अर्ली मॉर्निंग 4 बज रहे, तो क्योंकि फ्रैंकलिन को जाना होता है काम पे अपनी कॉप वाली ड्यूटी पे, तो इसलिए हम उस वहाँ पे जल्दी वह पहुँच गया। और लेस्टर ने बोला कि जितना जल्दी हो सके वो जो जैमर्स है वो बैंक के बाजू में रखने के, ताकि अर्ली मॉर्निंग में ही हम रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे लोग कम होता है, और उसके बाद हमें और अर्ली मॉर्निंग में ही हमको बैंक की चोरी करनी है, क्योंकि हम लोग लेट जाएंगे तो वहाँ पे लोग अवेयर हो जाएंगे, तो इसी कारण हमारा भांडा फूट सकता है। तो जैमर इसलिए मंगाए वहाँ पे क्योंकि जैमर से हम जो हमारा लेस्टर है वो सारे कंप्यूटर हैक कर सकते हैं आराम से, और पुलिस हमारे पीछे नहीं पड़ेगी। तो भी हम बैकअप के लिए हमने आर्मर्ड कार लिया जो बैनी के पास से, हम बैनी से भी जाके कार ले लेंगे, और हमने हमारे पास गन्स भी ले ली जो उसमें साइलेंसर लगे हुए, और आर्मर्ड भी ले लिया हमने, मतलब लाइक एक प्लान बी के रूप में, कभी हमारा कुछ हो गया लाइक पुलिस भी पड़ गई तो इसलिए हमने प्लान बी भी रखा है। तो देखते हैं वहाँ पे क्या बात चल रही, क्या डिस्कशन हो रहा है। तो लेस्टर ने मुझे इतना बोला कि वो कुछ जैमर में सेटिंग कर रहा था कि वो उसे आसानी हो हैक करने में, तो जैमर्स भी काफ़ी बड़े हैं, तो इसलिए हम आज हमारा पिकअप यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अपना पिकअप ट्रक लेके जा रहा हूँ। अब माइकल तो रात भर सोया नहीं, माइकल काफ़ी एक्साइटेड था इस चीज़ को लेके कैसे करेंगे चोरी। और अब देख सकते हो हमारा ड्राइवर काफ़ी स्मार्ट लग रहा है, एकदम चोटी ओटी बांध के उसने बाल बढ़ा दिया, अचानक से पता नहीं कौन सी जादू थी उसने ताकत लगा दी अंदर, इसके बाल वापस आ गए, तो काफ़ी स्मार्ट दिख रहा है ड्राइवर। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं वहाँ पे लेस्टर के पास, और लेस्टर भी रात भर उधर ही था फैक्ट्री में, वो घर पे गए नहीं अपने, वो फैक्ट्री में रुका था क्योंकि फ्रैंकलिन जल्दी आने वाला था वहाँ पे। तो हमारे पास अभी सिर्फ गाइस बचे कुछ, आई थिंक 4 दिन बचे अभी हमारे जिमी और ट्रेसी को छुड़ाने के लिए। ए भाई क्या कर रहा थे? तो फिर क्योंकि वो कोरियन माफिया का फिर से फ़ोन आया था, बोला था कि भाई इंतज़ाम हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो भाई तेरे बच्चे को उड़ा दूंगा मैं। तो हमारे पास 4 दिन बचे, तो हमें फटफट जाके सारे पैसे कलेक्ट करके हमारे बच्चों को छुड़ा के लाना है। क्या करें यार, दोस्त है तो दोस्त के लिए सब करना पड़ता है। तो हम लोग पहुँच गए लेस्टर के पास। भाई ये गाड़ी किसकी है यार? बाप रे बाप, क्या गाड़ी है भाई साहब, मुझे तो लगता है ये इसकी गाड़ी है, फ्रैंकलिन की। नई कार कब लिया इसने यार? डॉज चार्जर, क्या गाड़ी है भाई साहब, देखो तो सही, ये गाड़ी लेके जाऊंगा मैं, देखो तो यार क्या गाड़ी है। फ्रैंकलिन ने बताया भी नहीं कि कार लिया उसने यार, पर छुपा रुस्तम निकला। आ जा भाई माइकल, चला जा। तो देख सकते हो ड्राइवर कितना स्मार्ट दिख रहा है, अब लग रहा है एकदम असली गैंगस्टर। तो अभी हम जाएंगे, तो चलो अच्छा कोई है नहीं, तो यहाँ पे आंटी हमेशा बैठ रहे थे काम करने के लिए। तो ये रहा दोनों यहाँ पे टेंशन में खड़े, पता नहीं क्या देख रहे जैमर को घूर घूर के। मैं भी देख लेता हूँ घूर के इनके साथ में। और भाई लोग गुड मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ये भी आ गया हमारा माइकल। तो देखते लेस्टर भाई भी क्या बोलेगा हमें। तो गाइस हमने जैमर लोड कर दिया गाड़ी की, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने दो जैमर रखे काफ़ी बड़े। तो मैंने फ्रैंकलिन से उसकी कार मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया, उसने बोला उसको जाना है ड्यूटी पे। तो कोई नहीं, नेक्स्ट बार नेक्स्ट टाइम उसकी कार हम लेके जाएंगे। क्या कार है यार भाई, फ्रैंकलिन तो यार बड़ा आदमी निकला। तो चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम उनकी उसकी कार लेके जाएंगे हम लोग। तो अभी हमारा बैठा है माइकल पीछे जैमर पकड़ के, तो जाएंगे हम पहले बैंक के पास और वहाँ पे जाके हम रखेंगे ये पहला जैमर हमारा, और दूसरा हमें जाना पड़ेगा दूसरे बैंक के, जब वहाँ पे भी जैमर सेट करना पड़ेगा। तो अभी फटफट हम लोग जाएंगे। अरे भाई रे भाई, तो ये सवेरे के 4 बज रहे तो भी इतना ट्रैफिक लॉस सैंटोस में, पता नहीं क्यों। तो गाइज हम लोग पहुँच गए बैंक के इधर, अभी हमें जगह देखना पड़ेगी हम कहाँ पे जैमर रख सकते। तो मुझे लेस्टर ने बोला था कि यहीं के कोने में रख देना, तो मैं ये जो घास दिख रहा है आई थिंक मैं यहाँ छुपा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई चढ़ने की जगह है नहीं। तो ये जो बुशेस है सामने इसमें मैं हम लोग छुपा देंगे जैमर को लेके जाकर। तो मैं फटफट एक काम करता हूँ, भाई आजा माइकल उतर जैमर लेके उतर जा। तो हम एक काम करेंगे फटफट जैमर लेंगे जाके वहाँ पर रख देंगे। तो गाइज जैमर हम लोग ने यहाँ पर रख दिया, आप देख सकते हो बड़ी मस्त जगह है, किसको अरे चिल्ला मत, अब देख सकते हो तो किसको दिख भी नहीं रहा है। तो आज अभी हम लोग जाएंगे दूसरे बैंक के पास और जाके वहाँ पे रखेंगे ये दूसरा जैमर। तो उसके बाद हम लोग आएंगे लेस्टर की फैक्ट्री में और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से हमें जाना होगा बैनी के पास। तो बैनी तो अभी उठा नहीं होगा, तो देखते बैनी को मैं कॉल करूँगा वहाँ पे जाके, और उससे हम वो आर्मर कार्ड लेंगे, फिर हम लोग लेस्टर की फैक्ट्री में वापस जाएंगे। तो हम लोग फटफट चलते हैं दूसरे बैंक के पास। जो दूसरा बैंक है वो हाईवे की तरफ में थोड़ा दूर में है, लेस्टर ने बोला कि अगर पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो भाई भागने में आसानी होगी, इसलिए हम लोग ने तो दूसरा बैंक रखा, वो हम लोग सिटी के बाहर रखा। तो देखते अभी क्या है वहाँ पे, क्या सिचुएशन है, अभी सवेरे भी हो रही है, 5 बज गए। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हम लोग के सेकंड बैंक के पास ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई नहीं है, रोड भी खाली, काफ़ी रोड भी बहुत खाली है और बैंक तो खुला है बट ज़्यादा कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो लेस्टर ने मुझे बोला था कि दूसरा जैमर हमें यहाँ रखना है, ये जो इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस है यहाँ पे हमें रखना है। देखते हो कैमरे भी लगे, तो हमें कैमरे फोड़ना पड़ेगा चोरी के वक्त।
तो आजा भाई माइकल जैमर उठा ले। तो गाइस दूसरा जैमर भी हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया, अभी किसी को पता नहीं चलेगी ये कि कुछ एक्स्ट्रा आइटम, ये एसी का आइटम लग रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे बैनी के पास, तो मैं माइकल को छोड़ दूंगा लेस्टर की फैक्ट्री में। अरे आगे बैठना, इस लगता है इसको पीछे बैठने का बहुत शौक। तो मैं माइकल को छोड़ दूंगा लेस्टर की फैक्ट्री में, वहाँ से मैं चल पड़ूंगा बैनी के पास और वहाँ पर मैं कार खड़ी करके मैं आर्मर वेहिकल लेके आऊँगा अपनी। फिर हम लोग वहाँ से सब चेंज सेटअप करके लाइक हम लोग के कपड़े वपड़े बदली करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे हाइस्ट पे बैंगलोर में। फटफट में जाऊंगा अभी लेस्टर के पास, बहुत टाइम हो चुका है, अभी सवेरे भी हो रही है, लेकिन हमें ये कैसे भी करके 7 बजे के अंदर अंदर करना है। देखते क्या है, अभी मॉर्निंग भी हो रही है, काफ़ी मस्त सवेरे। और माइकल फ्रैंकलिन ने हमें बोला कि भाई गुड लक तुम्हारे मिशन के लिए, तुम लोग को कामयाब होकर आना, बच्चों को छुड़ाना। तो अभी चाहते माइकल, तो अभी चाहेंगे हम लोग लेस्टर के पास। तो गाइस हम लोग पहुँच गए लेस्टर की फैक्ट्री के अंदर, तो मैं माइकल को यहाँ पर उतार देता हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा बैनी के पास। तो माइकल को हमने छोड़ दिया लेस्टर की कंपनी में, अभी हम लोग जा रहे हैं बैनी के पास, वहाँ से हम कार पिक करेंगे, फिर मैं आऊँगा लेस्टर के इधर, हम लोग उसकी सेटअप करेंगे हमारा पूरा, लाइक हम गन्स वंस रेडी करेंगे, जब तो माइकल भी रेडी कर रहा सब कुछ, फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़ेंगे अपने मिशन के लिए। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी बैनी के पास और काफ़ी लेट हो गया, सवेरे भी हो रही है, लाइक 7 बज के चले गए यार, पता नहीं क्या होगा, हमेशा प्लान कभी भी टाइम पर नहीं होता। तो मैं देखता हूँ अभी बैनी क्या कर रहा है, गाड़ी, अरे गाड़ी तो खड़ी है बाहर यार, गाड़ी भारी खड़ी है। और ये किसकी गाड़ी है यहाँ पे, ये क्या है, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, ये कार तो मुझे बल्ला सालों की दिख रही है, उन्होंने यहाँ पे कार रोक के रखा है, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, जाके देखना पड़ेगा ऊपर। ओए तेरी बहन, ओए ओए ओए, ये क्या हो गया, बहनी को तो पकड़ के ले लिया यार, ये लोगों ने, ये लोग के आदमी क्या बल्ला सवालों के आराम से बैठे यहाँ पे। अरे भाई साहब, इन्होंने तो बहनी को पकड़ लिया लोग ने, अरे बाप रे, तो क्या हो गया, ये लोग ने बहनी को यहाँ पे पकड़ के क्यों रखा था। बहनी खड़ा हो जा भाई, टेंशन सदमे मत है, खड़े हो जा। तो गाइस बैनी से मैंने बात कर ली, बैनी बहुत टेंशन में बैठा है बेचारा। तो बैनी बोला कि यार पता नहीं किसने टिप दे दिया कि वो यहाँ पे कि बलास की लुक की जो आर्मर्ड कार थी मेरे पास रखी हुई है, तो उनको पता नहीं किसने टिप दे दिया यहाँ पे कार रिपेयर होने आए, तो उन्होंने मुझे पकड़ने आए थे और बोला कि जो तेरे दोस्त लोग थे जिसने हमारे दोस्तों को मारा उधर पे हमारे एरिया में, उनको लेकर आ, तो इसलिए उन्होंने मेरे पे गन ताने हुए रखा था। तो बट उसने मुझे थैंक यू बोला और उसने बोला कि अभी कोई बात नहीं, वो पुलिस आएगी तो हैंडल कर लेगा खुद से। तो बहुत टेंशन वाली बात थी यार ये, मैं तो गाड़ी देख के समझ गए थे यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो मैं अभी जाता हूँ अपनी कार लेके निकलता हूँ। तो हम मेरी क्या कार है भाई, तो मैंने अपनी कार वहाँ पे खड़ी कर दी और मैं निकल जाता अभी लेके लेस्टर के इधर। तो ये कार हमें चाहिए थी, बेचारा बैनी भी हमारे वजह से लाइक फंस गया कार के चक्कर में। अच्छा मैं सही टाइम पे पहुँचाने, तो फिर बेचारे बैनी को लोग मार देते थे। तो मैं वही सोच रहा था बैनी फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा हमारा, मैं कब से फ़ोन कर रहा था उसको बट फ़ोन ही नहीं उठा रहा था वो। सो लकीली हम जाके पहुँच गए वहाँ पे टाइम, सही टाइम पे। तो काफ़ी अभी सवेरे हो गए यार, एकदम चहल पहल हो गए पूरे सिटी में, तो पूरा लाइक टाइम के हिसाब के भारी चली गया जो भी हमारा प्लान था। तो फटफट जाऊंगा लेस्टर की कंपनी में। गाइस ऑलमोस्ट हम पहुंच गए यहाँ पे लेस्टर के इधर। सो लकीली हमें कार मिल गई, बैनी भी सेफ है। तो मैं देखता हूँ लोग क्या कर रहे हैं ऊपर, दोनों भाई साहब हमारे। तो मैं उनको फटफट बोलूँगा भाई रेडी हो जा, चलते अभी लूटने के लिए बैंक। ओके तो माइकल भाई टेंशन में, अपने क्या पता नहीं क्या सोच। तो गाइस ऐसी प्रॉब्लम हुई थी यार, बैनी को पकड़ लिए थे यार बल्लास वालों ने। तो काम का चल फटफट अभी रेडी हो जा, चलते अभी मिशन के लिए। तो गाइस हमारा माइकल हो चुका है रेडी, आप देख सकते हो माइकल ने मास्क डाल दिया, एक छोटा सा बैग ले लिया। मैं तो भाई बैग कुछ नहीं पहनूंगा और मास्क भी नहीं पहनूंगा, मैं तो ऐसे चले जाऊँगा भाई। बैठ माइकल आ जा, फटफट जाएंगे बैंक रॉबरी करने अपने। बड़ी जोरदार गाड़ी यार, क्या आवाज़ है इसकी। ये कार तो मैं रखूंगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बहुत मजबूत कार है ये, कुछ भी बोलो। तो लेस्टर ने भी हमें बोला भाई गुड लक, हमें गुड लक विश किया उसने, क्योंकि भाई जीत के आना, पैसे लेके आना और किसी मुसीबत में ना पड़ना पुलिस वुलिस के चक्कर में। तो गाइस विश मी लक, होप हम ये मिशन कर पाए बराबर से। तो हम लोग बस पहुंचने वाले बैंक के पास, तो हम लोग कार यहाँ कर देंगे पार्क। चल भाई चल, पहले कैमरे फोड़, कैमरे फोड़।
तो पुलिस का स्टार आ गया 3 पे यहाँ पे। भाई जैमर काम नहीं कर रहे क्या बराबर हमारे? अभी खड़े मत रहे माइकल, डरा है लोग को, डरा है लोग को। मुझे बाहर निकल, बाहर निकल, आ जा बाहर, आ जा बाहर, जा बाहर, आ बाहर, आ बाहर, आ बाहर, आ बाहर, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे माइकल भाई बीच में, बीच में क्यों खड़ा है, कुछ कर जल्दी, चल जल्दी, खोल इसको, खोल जल्दी, खोल। देखते कितने पैसे मिलेंगे हमें यहाँ से। माइकल पीछे खड़े रहे भाई कवर में, जल्दी खोल टकले। ओके अरे तो हमें लॉकर तोड़ना पड़ेगा, आराम आराम से लॉकर तोड़ेंगे हम ताकि मशीन गर्म ना हो जाए हमारी। अभी तक तो सही है, मशीन हो गई गर्म। कम ऑन मैन, एक ही, अरे यार एक ही टूटा, एक एक ही बाकी बस। चल खुशाम, चलो खुल गया। ओके तो हमें 1.5 बिलियन मिल गए, कम मिले यार। तो देख सकते हो गाइस जैमर लगाने का फ़ायदा, ना पुलिस आई कुछ नहीं, सिर्फ लोग डर गए यहाँ पे। ओहो पैसे मिल गए हमें। अच्छा बैठ 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 बैठ, हेड माइकल जल्दी बैठ। अरे कहाँ क्या रहेगा वहाँ, भाई जल्दी बैठ भाई। तो गाइस ऑलमोस्ट हमें 1.5 मिलियन मिल गए, कम मिले काफ़ी, इतना हमारे लग, हमें ज़्यादा पैसे चाहिए थे। अभी देखते हैं नेक्स्ट बैंक में कितने मिलेंगे। तो ये रहा फ़ायदा, जैमर लगाया हमने, पुलिस नहीं पड़ी हमारे पीछे, बहुत सही रहा, बहुत ईजी था ये। तो अभी जाएंगे नेक्स्ट बैंक के इधर फटाफट, और वहाँ से भी हम ईजी में एकदम पैसे लेकर निकल जाएंगे। तो लेस्टर को भाई हम थैंक यू बोलना चाहेंगे इसके लिए। तो गाइस हम लोग आ गए सेकंड बैंक के इधर, तो इधर भी हमें सेम करना होगा, हमें पहले कैमरे फोड़ने होंगे और हमें पैसे लेके निकलना होगा ताकि हम कैमरे में ना आए। और यहाँ पे तो हमारा जैमर लगा हुआ ही है, तो टेंशन की कोई बात नहीं, फटफट यहाँ गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। चल भाई आ जा माइकल जल्दी आ, हट 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 टकले। तो हमने कैमरे फोड़ दिए सारे। अच्छा बाहर आ, कौन इधर, जल्दी बाहर आ, जल्दी बाहर आ। अरे माइकल, अरे माइकल हट, क्या कर रहा माइकल, माइकल लगता सटिया गया है, बराबर कुछ कर नहीं रहा, दिमाग चल नहीं रहा उसका। कुर्सी क्यों रखा बीच में? अबे तुम दोनों भाई सेम बैंक में काम करते हो क्या? तू भी तो था वहां पे, तेरा भाई भी था वहाँ पे सेम बैंक में तुम लोग। जल्दी खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल, जल्दी। हाँ हाँ बस बस, अरे तो सोना पड़ा, अरे वाह 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 भाई, ले 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 ले। तो गाइस हमें पैसे कम मिले, हमारा हो नहीं पाया बजट, और भी पैसे चाहिए था यार। भाई इधर क्या पुलिस पड़ गई पीछे, ये क्या हो गया? अबे भाग, अबे भाग माइकल, पुलिस पड़ गई, जैमर फेल हो गया लगता। माइकल जल्दी आ, अरे पुलिस पड़ गई यहाँ पे पीछे माइकल, अबे जैमर खराब हो गया लगता। अरे भाई साहब भाग जल्दी, भाग जल्दी, भाग जल्दी, भाग। से लेशा बोला था भाई प्लान भी रेडी रखना, वैसे ग्लास तो बुलेट प्रूफ लग नहीं रहे मुझे, क्या काम किया बहनी ने। अरे भाई साहब, इसलिए हमें लेशा बोला था भाई एकदम तगड़ी गाड़ी लेके खड़ी रहना। अबे गोली क्यों चला रहा है माइकल, चुपचाप बैठ अंदर अंदर लेके, भाई क्या कर रहा है तू, अरे मरवा दिया भाई, अभी ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा। अरे मत चला माइकल गोली, अभी हम लोग ऑफ रोड जा रहे, इसलिए हमने ये एसयूवी ली, काफी मजबूत एसयूवी है। अरे पीछे चॉपर भी लगा हुआ है यार, मैं रोड से इसलिए जा रहा था कि पुलिस वहां पे खड़ी है, तो मैं ऑफ रोड ही करूंगा पूरा। अरे भाई, अरे भाई क्या गाड़ी है, क्या गाड़ी है, बच गया मैं। अरे चॉपर पड़ा है, चॉपर को उड़ा देता हूँ। अरे गन भी नहीं है,
तो चॉपर को मैं गिरा दूं फिर हम लोग बच जाएंगे। भाग गया चॉपर वाला, सही है। बैठ माइकल बैठ, रोड से नहीं जाएंगे हम लोग, हम लोग जाएंगे ऑफ रोडिंग से। अरे भाई फ्यूल भी कम हो गया काफी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक नंबर। मैं काम करूंगा, मैं फटाफट गाड़ी यहीं छोड़ देता हूँ, हम लोग पैदल जाएंगे इसके अंदर स्टेडियम में। माइकल छोड़ दे गाड़ी, आजा माइकल छोड़ गाड़ी, इधर आ। तो हम लोग अभी पैदल ही जाएंगे, गाड़ी छोड़ देंगे हम लोग। आ रहा कि नहीं माइकल? अरे जल्दी चलना, क्या टाइम पास कर रहा हूँ। माइकल भी यार आराम आराम से, जैसे गार्डन में जा रहे हैं हम लोग। जल्दी आ भाई जल्दी आ। तो गाइस पुलिस हमारे पीछे से जा रही है, अब देख सकते हो स्टार कम हो रहे, तो यहाँ छुप जाता हूँ। सो थैंकफुली गाइस पुलिस चली गई, हम लोग बच गए। अबे ये कहाँ जा रहा है? अरे भाई इतने को एक्साइटेड है ये। तो गाइस अब गाड़ी की हालत देख सकते हो क्या हो गई, और थैंकफुली हम लोग बच गए। गाड़ी की तो पूरी आंजर बंजर बाहर हो गए, और मेरा फ्यूल भी काफ़ी लो हो चुका है, तो सही टाइम पर हम लोग पहुँच गए थैंक गॉड। तो आज हम लोग का लकी डे था वैसे भी, क्योंकि बहुत लेट हो गई चोरी करते करते, तो इसलिए मुझे बोल रहा था लेस्टर ने भाई गाड़ी का इंतज़ाम कर ले। अरे कौन चिल्ला, क्या बिल्ली? चल भाई चल माइकल, तेरे पैसे का जुगाड़ कर लिया हम लोग ने। तो अब देख सकते हो ड्राइवर को गोली लगी, तो ड्राइवर काफ़ी लाइक लंगड़ लंगड़ के चल रहा है, थक गया बेचारा ड्राइवर, हमें गोली लग गई उसको, तो बराबर से चल भी नहीं पा रहा बेचारा। अरे भाई ड्राइवर, तो ड्राइवर को फटाफट लेके आना पड़ेगा हॉस्पिटल आई थिंक, बहुत लंगड़ लंगड़ के चल पा रहा है बेचारा, सही से चल भी नहीं पा रहा देख सकते हो, उसे गोली लगी है। अरे आंटी चुपचाप बैठो। तो गाइस हमें ड्राइवर को लग गई थी गोली, बेचारा एकदम घायल होकर गिर पड़ा गया फ्लोर के ऊपर, और माइकल भी देख रहा है अभी क्या है, क्या करे क्या नहीं करे, और लेस्टर चले गए कुछ काम से बाहर। तो गाइस बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड में मेरे साथ, आप देखेंगे क्या कर सकते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।